ओलंपिक के बाद अब पैरा ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपना जलवा बिखेरा है। पेरिस में आयोजित टूर्नामेंट में सोनीपत के भदाना गांव निवासी धर्मवीर नैन ने पुरुष वर्ग की क्लब प्रो F51 में गोल्ड मेडल हासिल कर दुनिया भर में देश और प्रदेश का नाम रोशन किया। रविवार को नैन जब अपने पैतृक गांव भदाना पहुंचे तो गांव वाले उनके भव्य स्वागत के लिए तैयार नजर आए। दिवाली तो अभी 2 महीने बाद है, लेकिन गांव में आज ही दिवाली जैसा माहौल दिखा। जमकर पटाखे फूटे और लोगों ने खुशियां मनाई। इस मौके पर स्वर्ण पदक विजेता धर्मवीर नैन ने इस सफलता का क्रेडिट अपने परिजनों के साथ साथ अपने गुरु अमित सरोहा को देते हुए कहा कि बगैर उनके मार्गदर्शन के ये संभव नहीं था। देश लौटे हो धर्मवीर जी, क्या कहना चाहोगे? गोल्ड मेडल में इतिहास रच कर आए हो आप। देखिए, गोल्ड मेडल मिला तो बहुत खुशी हुई थी, और उतनी ही खुशी आज अपने ग्राम वासियों का और एयरपोर्ट पे भी मैंने जो अपने देशवासियों का प्यार सम्मान देखा, उतनी खुशी याद हुई है। कितनी मेहनत इस गोल्ड के लिए करनी पड़ी आपने? मेहनत तो देखिए, ये एक दिन की या 2 दिन की मेहनत नहीं होती। 2015 से मैं गेम कर रहा हूँ, और 2015 में मैंने पहला नेशनल गेम खेला था जहाँ मेरे 2 ब्रॉन्ज मेडल आए थे, और आज मेरे तकरीबन 8 साल हो गए हैं। तो मेहनत तो ये लगातार चलती रहती है, उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं, और ये उसी 8 साल की मेहनत का ये नतीजा है। इसका श्रेय किसको देना चाहोगे? इसका श्रेय मैं अपने पूरे परिवार को, खासकर जो मेरे भाई हैं, ठीक है, जो मेरी ट्रेनिंग कराते हैं और इधर उधर जाना, तो मतलब जो भी मेरे कजन है उनको, और विशेष तौर से जो मेरे गुरु अमित सरोहा, अगर वो नहीं होते तो भी ये मतलब मुकाम हासिल कर पाना नामुमकिन था। उनको क्या संदेश है जो जिस स्थिति से आप उठे, उस स्थिति में जाने के बाद ये सोचते हैं कि जिंदगी अब खत्म हो गई? देखिए, मेरे साथ भी यही हुआ था, ठीक है, मेरे भी मन में यही विचार आ रहा था कि भाई अब तो सब खत्म हो गया है, लेकिन ऊपर वाले की दया से मतलब ये ऐसी लाइन पकड़ी स्पोर्ट्स की। स्टार्टिंग में तो मैंने टाइम पास के लिए स्टार्ट किया था कि भाई टाइम पास हो जाएगा, और ये गेम की बदौलत है आज जो मान सम्मान आप लोगों का मिल रहा है, ये इस गेम ने ही दिया। तो मैं तो यही कहूंगा भाई, जो जिसके साथ भी हादसा होता है वो, मैं ये नहीं कहता भाई गेम में ही मतलब आओ, किसी भी फील्ड में जाओ, लेकिन अपना मेहनत करो। जी, क्या कहना चाहोगे, किस तरह से हादसा हुआ था एक बार हम? ये जून 2012 में मेरे साथ हादसा हुआ था, मैं अपने दोस्तों के साथ नहर में स्विमिंग करने के लिए गया था, तो वहां मैंने डाइव लगाई तो पानी कम था, और पानी कम होने की वजह से मेरा सिर जमीन में लग गया, और वहाँ ऑन द स्पॉट मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। मैच के दौरान कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई थी जब खेल रहे थे आप? मैच के दौरान मेरे स्टार्टिंग के 4 थ्रो फाउल थे, और हमारी इंजरी ऐसी है भाई, हमारी फिंगर काम नहीं करती, कम चिपका के हम थ्रो करते हैं, तो वेदर की भी कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन अंत वाला तो सब भला। सपना पूरा हुआ? हाँ, एक कोई भी प्लेयर है तो मेरे ख्याल में उसका यही सपना होता है, ओलंपिक के मेडल से तो बड़ा कुछ होता नहीं है। और कई सालों से मेरे मन में एक चीज थी कि भाई जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका मुझे पूरा रिजल्ट नहीं मिल रहा, ये आज पूरी हो गई है। वहीं धर्मवीर नैन के गुरु पैरा ओलंपियन अमित सरोहा ने बताया कि धर्मवीर की मेहनत का नतीजा है कि उसने ओलंपिक में गोल्ड जीता है, और मेरी मेहनत कहीं ना कहीं धर्मवीर के गोल्ड जीतने के बाद सफल हो गई। मैं आज के युवाओं से कहना चाहता हूं कि अगर वो किसी कारणवश हादसे का शिकार हो जाएं तो हिम्मत ना हारें, और अपने जीवन में कोई भी एक लक्ष्य निर्धारित कर लें, इसके बाद सफलता उन्हें जरूर मिलेगी। देखिए, ये हम पिछले 16 साल से इस मेडल के लिए भाग रहे थे, और इसके लिए हमारा इतने की कहीं ना कहीं आज वो दिन आ गया है। मेरी जो ख्वाहिश थी कि हमारे ओलंपिक क्लास में मेडल पे पोडियम पे मेडल पाए, वो आज धर्मवीर ने पूरा किया, जो हम लोगों ने इतनी मेहनत की थी उसका परमात्मा ने आज हमें रिजल्ट दिया है। एक बहुत खुशी है मुझे कि मैं पोडियम पे पहुंचा ना पहुंचा कोई फर्क नहीं पड़ता, धर्मवीर ने वो काम कर रखा है, और मेरे लिए इससे बड़ी कोई दक्षिणा हो नहीं सकती। देखिये, स्थिति में क्या युवा जो बेसिक सोच है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है, और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ काम करेंगे तो आपको कामयाब जरूर होंगे। इसका उदाहरण हमने पेश कर दिया।
बहुत लंबी तैयारी करके गए थे और अभी महीना दो महीने थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर चलेंगे। उसके बाद हमारी निश्चित तौर पर स्वर्ण पदक विजेता धर्मवीर नैन उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं जो किसी हादसे की वजह से या फिर बचपन से विकलांग होते हैं। ऐसे लोगों को हिम्मत ना हार कर जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।